स्क्विड गेम का सीजन 2 जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे फेमस सीरीज है, उसका सीजन 2 का ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 3-4 दिन पहले रिलीज हो चुका था, उसके बाद 2 दिन पहले इसका हिंदी ट्रेलर आया। तो हिंदी ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत कुछ समझने के बाद आज ये वीडियो तुम लोगों के सामने है। आई थिंक आज से करीब 3 साल पहले 2020 या 21 में हमें स्क्विड गेम का सीजन 1 देखने को मिला था, जो कि 2020 में ही आई एलिस इन बॉर्डरलैंड जापानी सीरीज की रीमेक थी, मतलब कि उससे इंस्पायर किया हुआ था। और एलिस इन बॉर्डरलैंड का भी सीजन 3 आने वाला है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहो तो देख सकते हो। अब अगर स्क्विड गेम के सीजन 2 की बात करें तो इसके सीजन 1 के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि सीजन 1 के जब एंडिंग आती है, जिस टाइम पे अपना हीरो पैसा वैसा कमा के अपने बेटी के पास जाने ही वाला होता है कि उस टाइम पे वो फिर से गेम में वापस जाना चाहता है, तो हमें सीजन 2 में ये सब देखने को मिलेगा कि अपना हीरो कैसे इस गेम को रोकता है, कौन कौन से नए गेम्स होने वाले हैं और वो एंड तक इस गेम को रोक पाता है या नहीं। हमें इसके सीजन 2 में यही सब दिखाया जाएगा। और मुझे जितना पता है कि इसका सीजन 3 भी आने वाला है, तो होपफुली शायद सीजन 2 में इसकी स्टोरी एंड नहीं होने वाली है। जब भाई ट्रेलर देखने के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि अपना जो हीरो है वो इस गेम में वापस आया है पैसा कमाने के लिए नहीं, इस गेम को परमानेंटली रोकने के लिए। और हमें ट्रेलर में भी कुछ ऐसे सीन्स मिल जाते हैं जहाँ पर अपना हीरो और भी अदर्स प्लेयर्स को मदद करता है गेम में, जैसे कि वो 1-2-3-4-5 वाला गेम, स्टैचू वाला गेम जो हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था, उसका फर्स्ट गेम यही था और शायद इसका भी फर्स्ट गेम यही होने वाला है। तो कुछ गेम तो सिमिलर्स होने वाले हैं। अब अगर इसका ट्रेलर की बात करें तो मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा, अब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेलर को अच्छी तरह से देखे तो हमें ज्यादा डिटेल में कुछ पता नहीं चलता है और उसी के साथ कुछ ऐसा सीन, ऐसा कोई शॉट भी नहीं मिलता है, मतलब कि जिसे देखकर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले। पर से ट्रेलर में ज्यादा गेम्स को रिवील भी नहीं किया है, लेकिन अगर एक हिसाब से देखे तो भाई ट्रेलर ठीक ठाक ही है, क्योंकि सीरीज को जिस सीरीज से इंस्पायर किया गया है, जिस जापानी सीरीज से एलिस इन बॉर्डरलैंड, उसमें हमें ऐसे ऐसे गेम्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि गन फायर्स बॉम्ब्स चल रही है। और सबसे खास बात, एलिस इन बॉर्डरलैंड में पूरा टोक्यो शहर को गेम का मैदान बना दिया गया था, लेकिन स्क्विड गेम में एक बैकग्राउंड के अंदर ही, मतलब कि जगह पर ही इस गेम को खेला जाता है। जहां तक मुझे याद है शायद वो कोई आइलैंड था। तो इन सब चीजों को देखे तो भाई ट्रेलर ठीक ठाक ही है। तो सीरीज तो आने वाली है 26 दिसंबर को, और कुछ ऐसे भी न्यूज निकल के आई है कि इसका सीजन जो फाइनल सीजन है सीजन 3, वो हमें 2025 में ही देखने को मिल जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 26 में। अब देखते हैं स्क्विड गेम का सीजन 2 स्क्विड गेम के सीजन 1 के व्यूअरशिप को बीट कर पाती है या नहीं। बाकी तुम्हें कैसा लगा इसका ट्रेलर, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।